आज हम हिंदी विषय के अंदर ग्रामर पढ़ेंगे, जिसके अंदर है वाक्य तथा वाक्य के प्रकार। तो सबसे पहले वाक्य किसे कहते हैं वो, तो एक या दो वर्ण मिलकर एक शब्द बनाते हैं, उसके बाद एक शब्द दूसरे या तीसरे शब्द से जुड़कर वाक्य की रचना करते हैं। तो शब्दों का ऐसा व्यवस्थित सार्थक समूह जो किसी विचार या भाव को पूर्णतः व्यक्त कर सकता है, जिसे वाक्य कहलाता है। कि शब्दों का कैसा समूह, व्यवस्थित सार्थक यानी कि योग्य समूह जो किसी विचार को या भाव को पूरी तरह से व्यक्त कर सकता है, उसे हम वाक्य कहते हैं। तो यहाँ पे उदाहरण दिया है, भारत की संस्कृति अत्यंत प्राचीन है। इस वाक्य में प्रयुक्त यानी कि उपयोग होने वाले सभी शब्द पद अर्थवान है, यानी कि सार्थक योग्य है। यहाँ पे जितने भी शब्द का प्रयोग हुआ है वो शब्द अपने आप में एक अर्थ प्रदान करते हैं, सार्थक है, योग्य है। एवं व्यवस्थित शब्दों का यह समूह किसी विचार को प्रकट कर रहा है। कौन से विचार को, कि हमारे भारत देश की संस्कृति जो है वो अत्यंत प्राचीन है, इस विचार को ये प्रकट कर रहा है। आगे वाक्य के प्रमुख तत्व, कि वाक्य, वैसे तो हमें लगता है कि वाक्य बनाना इजी है, लेकिन इसके अंदर प्रमुख तत्व है वो देखेंगे। पहला है सार्थकता, सार्थकता यानी योग्यता। सार्थकता से अभिप्राय है वाक्य में प्रयुक्त यानी उपयोग होने वाले शब्दों का अर्थवान होना, यानी कि वाक्य बनाने के लिए हम जितने भी शब्द का उपयोग कर रहे हैं वो सभी शब्द अर्थवान होने चाहिए। कि वाक्य में केवल सार्थक शब्दों का ही प्रयोग किया जाता है, कि वाक्यों के अंदर केवल सार्थक यानी योग्य शब्दों का ही प्रयोग किया जाता है, पर कभी कभी निरर्थक शब्दों का प्रयोग भी विशेष संदर्भ में सार्थक बन जाता है। जैसे कि वैसे तो वाक्य बनाने के लिए केवल सार्थक शब्दों का प्रयोग किया जाता है, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है कि कभी कभी निरर्थक शब्दों का प्रयोग भी विशेष संदर्भ में सार्थक बन जाता है। जैसे उदाहरण है, कुछ पानी पानी पीकर जाना। आगे है, मेरे सामने ज्यादा चू चपड़ करने की कोशिश मत करना। कि उपर्युक्त दोनों वाक्यों में ये अंडरलाइन किए हुए जो शब्द है, पानी पानी और चू चपड़, ये निरर्थक शब्द है जिसका कोई विशेष अर्थ निकलता नहीं है, फिर भी यहाँ पे सार्थक की तरह प्रयुक्त हुए हैं, सार्थक शब्द के रूप में प्रयुक्त हुआ है। तो कभी कभी ऐसे निरर्थक शब्द भी वाक्य के अंदर सार्थक रूप में प्रयुक्त किए जा सकते हैं। दूसरा है योग्यता, कि वाक्य में जिन शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है उनमें अर्थ प्रदान करने की योग्यता या सामर्थ्य होना चाहिए। कि वाक्य के अंदर जिन भी शब्दों का हमने प्रयोग किया है उन हरेक शब्द में अर्थ प्रदान करने की योग्यता होनी चाहिए या सामर्थ्य होना चाहिए। जैसे मैंने पानी खाया, पानी पीने की चीज है, खाने की नहीं, तो वाक्य में प्रयुक्त तीनों शब्द सार्थक है। यहाँ पे तीन शब्दों का प्रयोग किया गया है, मैंने पानी और खाया, ये तीन शब्द यहाँ पे उपयोग किए हैं। और वैसे देखा जाए तो ये तीनों शब्द जो है वो सार्थक है, योग्य है, हरेक का अपना अर्थ है, अर्थ प्रदान करने की शक्ति है इनमें। पर शब्दों के इस समूह में बराबर कि इन तीनों शब्दों को अलग अलग अगर हम अर्थ निकालेंगे तो तीनों शब्दों के योग्य अर्थ निकलेंगे, पर इन तीनों शब्दों को जोड़कर एक वाक्य बनाएंगे। बराबर, मैंने पानी खाया, तो इन शब्द से जो वाक्य बना उसमें वांछित यानी कि योग्य अर्थ देने की क्षमता नहीं है। बराबर, जबकि मैंने पानी पिया, इस वाक्य में अर्थ प्रदान करने की योग्यता है, अतः यह वाक्य है। ये वाक्य है, इसे हम वाक्य नहीं कह सकते क्योंकि इससे योग्य अर्थ नहीं निकल सकता। तीसरा है आकांक्षा, आकांक्षा यानी जिज्ञासा। आकांक्षा से आशय है वाक्य अपने आप में पूरा होना चाहिए। कि जिस भी वाक्य की रचना अगर हम करते हैं तो वह वाक्य जो है वो अपने आप में पूरा होना चाहिए, अर्थात उसमें किसी शब्द की कमी के कारण अर्थ प्राप्ति की जिज्ञासा न बनी रहे। जैसे अगर हमने कोई वाक्य बनाया, चाहता है अथवा पढ़ना चाहता है, वह पढ़ना चाहता है, ये तीन वाक्य है, तीनों में तीसरा वाक्य है, इन दोनों को हम वाक्य नहीं कह सकते।
बराबर, क्योंकि इन दोनों में, पहले वाक्य में कौन और दूसरे वाक्य में क्या, ये दो शब्द की कमी है, अधूरा है कि चाहता है। अगर ये कोई सुनेगा तो उसके अंदर जानने की जिज्ञासा बढ़ेगी कि क्या चाहता है, कौन चाहता है। तो पढ़ना चाहता है तो क्या पढ़ना चाहता है, बराबर, कि वाक्य अपने आप में पूरा होना चाहिए, अधूरा होना चाहिए नहीं। चौथा है निकटता, कि वाक्य में शब्दों को बोलने और लिखने में उचित निकटता होनी चाहिए। यदि कहीं उचित विराम की आवश्यकता हो तो वहां विराम चिन्हों का प्रयोग भी अपेक्षित है। बहुत रुक रुक कर या जल्दी जल्दी बोलने से वाक्य का अर्थ स्पष्ट नहीं होता, कि जब पढ़ते हैं तब जितने भी विराम चिन्ह हैं उस विराम चिन्हों का भी हमें व्यवस्थित रूप से उपयोग करना चाहिए, कि जहां पर अल्प विराम हो तो वहां पर हमें थोड़ा रुकना चाहिए, कि वाक्य में शब्दों को बोलने और लिखने में भी योग्य निकटता होनी चाहिए। आगे है पदक्रम, कि वाक्य का सही अर्थ तभी स्पष्ट होगा जब उसमें प्रयुक्त सभी शब्द उचित क्रम में प्रयुक्त किए गए हो। जैसे कि वाक्य का सही अर्थ तभी स्पष्ट होगा जब उसमें प्रयुक्त सभी शब्द उचित क्रमों में प्रयुक्त किए गए हो। तो यहाँ पे उदाहरण है नंबर एक, नंबर दो, कि मैंने केवल एक पत्र लिखा है, केवल पत्र एक है लिखा मैंने। ऊपर के दोनों वाक्यों में एक जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया है। देख यहाँ पे भी इसका प्रयोग है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे केवल, केवल एक। देखो जितने शब्द ऊपर में, ऊपर के वाक्य में है उतने ही सेम शब्द नीचे के वाक्यों में भी है, लेकिन प्रथम वाक्य से अर्थ निकल रहा है, बराबर, कि मैंने केवल एक पत्र लिखा है, अर्थ निकलता है कि लिखने वाले ने केवल एक पत्र लिखा है, एक से अधिक नहीं या पत्र लिखने के अलावा और कुछ नहीं किया। जबकि दूसरे वाक्य से कोई भी अभिष्ट या वांछित अर्थ निकल नहीं रहा है, एक जैसे शब्द है फिर भी पहले वाक्य में से अर्थ निकलता है, जबकि दूसरे वाक्य में से सेम शब्द है फिर भी कोई अर्थ निकलता नहीं है। उसका कारण क्या है कि पदक्रम, शब्दों को जिस क्रम में हमें लिखना है वो क्रम यहाँ पे है नहीं, बराबर। अन्वय, अन्वय का अर्थ है मेल, कि वाक्य में प्रयुक्त किए जाने वाले शब्दों में कर्ता, कर्म, वचन, कारक, क्रिया आदि में उपयुक्त मेल होना चाहिए, बराबर। कर्ता, कर्म, वचन ये सब एक दूसरे से मिलने चाहिए, अन्यथा यह वाक्य शुद्ध नहीं कहलाएगा। जैसे हम खाना खाता हूँ, ये वाक्य अशुद्ध है, पढ़ते ही हमें पता चल जाता है कि इस ये वाक्य शुद्ध नहीं है। क्यों? क्योंकि वाक्य में क्रिया का कर्ता से मेल नहीं है, क्रिया कौन सी है, खाने की, बराबर, कर्ता हम, तो क्रिया जो है वो कर्ता से मेल नहीं खाता, तो हम कर्ता के साथ यहाँ पे खाते हैं का प्रयोग होना चाहिए, खाता हूँ का नहीं, तभी वाक्य कैसा होगा, शुद्ध, बराबर। वाक्य के छह घटक हमने देखे, सॉरी वाक्य के तत्व जो है वो हमने छह देखे, अब वाक्य के घटक, कि जिन अवयवों को मिलाकर वाक्य की रचना होती है उन्हें वाक्य के घटक कहते हैं। तो संरचना की दृष्टि से वाक्य के प्रधान रूप से दो घटक होते हैं, पहला है उद्देश्य, दूसरा विधेय, कि अन्वयों को मिलाकर वाक्य की रचना होती है और उन्हें वाक्य के घटक कहते हैं। तो संरचना की दृष्टि से दो, पहला उद्देश्य, दूसरा विधेय। तो अब उद्देश्य किसे कहते हैं, विधेय किसे कहते हैं वो देखते हैं। तो अब इन दोनों के बारे में समझेंगे। पहला है उद्देश्य, उद्देश्य किसे कहते हैं, तो वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए वही उस वाक्य का उद्देश्य है, कि एक वाक्य है, बराबर, तो उस वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे वाक्य का उद्देश्य कहते हैं। इसके अंतर्गत कर्ता तथा कर्ता का विस्तार, विशेषण, संबंध बोधक, भाव बोधक आदि भी आ जाते हैं। दूसरा है विधेय, तो उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए, बराबर, उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी कहा जाए उसे हम विधेय कहते हैं। तो इसके अंतर्गत, विधेय के अंतर्गत क्रिया, क्रिया का विस्तार, कर्म, कर्म का विस्तार आदि आ जाते हैं। यहाँ पे उदाहरण दिए गए हैं, पहला है सचिन आपके स्कूल आ रहा है,
है ना। तो इस वाक्य के अंदर सचिन जो है वो करता है, उसके बाद क्रिया कौन सी है, आ रहा है। तो उद्देश्य कौन सा है इसमें, सचिन, बराबर, कि जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे वाक्य का उद्देश्य कहते हैं। तो किसके बारे में कहा गया है, सचिन के बारे में, यानी कि ये हमारा उद्देश्य हुआ। तो विधेय, उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए, बराबर, उद्देश्य कौन है, सचिन, तो सचिन के बारे में क्या कहा गया है, स्कूल आ रहा है, बराबर, यानी ये हमारा विधेय। तो इसी प्रकार ये चार उदाहरण है, इन चारों में से आपको उद्देश्य और विधेय अलग करना है, वो आपको खुद से करना है। अब आगे देखते हैं वाक्य के प्रकार, कि वाक्य का विवेचन मुख्य रूप से दो स्तरों पर किया जाता है। तो एक अर्थ के आधार पर और दूसरा रचना के आधार पर। कि वाक्य के प्रकार दो प्रकार से हो सकते हैं, एक अर्थ के आधार पर हम कर सकते हैं और दूसरा रचना के आधार पर। इस दो स्तरों के आधार पर वाक्य के प्रकार निम्नांकित है। तो पहले हम देखेंगे अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रमुख आठ भेद हैं, आठ प्रकार है। पहला है विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयादिवाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक, संकेतवाचक और आज्ञावाचक। तो सबसे पहला है विधानवाचक वाक्य। तो उसके अंदर जिस वाक्य में कार्य के होने का अथवा करने का सामान्य कथन हो, उसे विधानवाचक वाक्य कहा जाता है। जैसे प्रियोदा सेवाभावी थी, वृक्ष हमें स्वच्छ वायु प्रदान करते हैं। कि जिस वाक्य के अंदर कार्य के होने का अथवा सामान्य कथन हो, कार्य का सामान्य कथन हो, उसे क्या कहते हैं, विधानवाचक वाक्य। दूसरा है निषेधवाचक, कि जिस वाक्य में कार्य के न होने का, कि विधानवाचक में कार्य के होने का और निषेधवाचक में कार्य के न होने का, कि विधानवाच्य में कार्य के होने का भाव है, जबकि निषेधवाचक वाक्य के अंदर कार्य के न होने का अथवा न करने का बोध हो, उसे हम निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे मैं आज खाना नहीं खाऊंगा, नहीं, बराबर, वह घर नहीं जाएगा। तो यहाँ पे कार्य के न होने का बोध है, इसलिए ये निषेधवाचक वाक्य है। आगे है नंबर तीन, प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य, यदि वाक्य में कोई प्रश्न किया जाए तो वह प्रश्नवाचक वाक्य कहलाता है। तो इस प्रकार के वाक्यों में, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य के अंदर क्या, कौन, कहाँ, कैसे, कब, क्यों, किस लिए, इन आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है और अंत में प्रश्नार्थ चिन्ह का भी उपयोग किया जाता है। उदाहरण यहाँ पे बहुत सारे दिए हैं कि आप कहाँ रहते हैं, बराबर, इस नगरी का राजा कौन है। प्रश्नवाचक जो है वो एकदम इजी है। तो आज के वीडियो में हम इन तीन प्रकार देखते हैं, आगे के वीडियो में आगे के प्रकार देखेंगे। थैंक यू।